फ्यूचर प्रैक्टिकल के हवाले से ये वीडियो है 10th क्लास के 2022 में। इसकी इस वीडियो बनाने की कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि स्टूडेंट्स को जिनके पिछले 2-3 साल से प्रैक्टिकल हुए नहीं हैं, तो स्टूडेंट्स को पैटर्न का भी अंदाज़ा नहीं था और सिलेबस का भी नहीं पता। दूसरा ये है कि 10th क्लास का सिलेबस कंप्यूटर साइंस का जिनसे चेंज हो गया, पहले GW बेसिक थी, अब सी लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज में और GW बेसिक में तो काफ़ी फ़र्क है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास अभी भी वही पुरानी कापियाँ हैं और अभी उनके माइंड क्लियर नहीं है कि प्रैक्टिकल सी लैंग्वेज में से सिर्फ 10th में से आना है या 9th में से भी आना है। तो इस वजह से इस वीडियो में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, साथ में मैं एक सोल्यूशन भी दूंगा, एक जनरल सोल्यूशन होगा जिसमें आप, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सी लैंग्वेज का कुछ नहीं, आपने इतनी तैयारी की क्योंकि थोड़ी सी ज़ाहिर है नया सिलेबस है तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसके बावजूद आप एक बेसिक सा स्ट्रक्चर अगर कंप्यूटर साइंस सी के प्रोग्राम का लिख देते हैं तो आपको जो रिटर्न है उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे और परफॉर्मेंस के भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सिफारिश पे आप भरोसा करते हैं कि नहीं, अब हमने कंप्यूटर जो प्रैक्टिकल है उसकी तो तैयारी नहीं करनी, सिर्फ हमने थ्योरी की तैयारी कर ली है, बस प्रैक्टिकल के तो नंबर सिर्फ सिफारिश से लगते हैं, तो ये गलत कंसेप्ट है। अगर आपके पेपर में कुछ लिखा होगा तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसी के बेस पे एवेलुएशन होती है। सिर्फ सिफारिश, अगर आप अगर काम करते हैं आपकी सीट के ऊपर अगर कुछ लिखा है तो आप खुद ही अपनी सिफारिश हैं, फिर आपको कहने की या इस तरह दूसरों के जो सहारे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है ये 50 नंबर का है, टोटल इसके 50 नंबर हैं प्रैक्टिकल के, बायो के फिजिक्स वगैरह के उनके कम हैं, 30 हैं या 25 हैं, लेकिन कंप्यूटर के 50 नंबर हैं, इसलिए इसको स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपके प्रैक्टिकल जो है वो 2 क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल है और दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सी लैंग्वेज में से ही आएंगे। 2 प्रोग्राम होंगे, ये देखें, पहले एक प्रोग्राम है, एक सी प्रोग्राम बनाइए जो एक मुस्तकील का रकबा मालूम करें। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसके इसमें 2 च्वाइस हैं आपके पास, आप चाहें तो ये मुस्तकील का रकबा वाला जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो आप ये नीचे एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है एक सी प्रोग्राम बनाइए जो एक बिल्कुल बतौर इनपुट ले और इसके फैक्टोरियल को प्रिंट करें, तो आपने इन दोनों में से एक करना है, ये दोनों ही फ्रंट पेज से नहीं कर लेने, इन दोनों में से कोई एक जो है वो प्रोग्राम आपने लिखना है। और इस प्रोग्राम के इस पहले क्वेश्चन के टोटल 20 नंबर हैं, 10 नंबर आपकी कापी के ऊपर लिखने के हैं कि ये लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रोग्राम का कोड भी आपकी कापी पर तहरीर कीजिए, 10 नंबर इसके हैं और 10 नंबर इसको कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करने के। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये फ्रंट साइड भी पहला पेज था, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ वर्क पेज, ये दोनों साइडों पर लिखा है, दोनों साइडों के पेज पर। तो ये जो इसका पेज 2 है ये देखें, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक सी प्रोग्राम बनाइए जो एक नंबर को बतौर इनपुट ले और बताइए कि नंबर किसका यकार, ये एक प्रोग्राम था या इन दरमियान में और है। एक सी प्रोग्राम बनाइए जो तालिबे इल्म के ग्रेड को प्रिंट करे, तो इन दोनों में से आपने कोई एक जो प्रोग्राम है वो लिखना है, लिखने के 10 नंबर हैं और 10 नंबर उसको परफॉर्म करने के। उसके बाद प्रैक्टिकल नोटबुक है वो 5 नंबर की, हर वाजा वर्क है वो 5 नंबर का है। इस तरह आपके टोटल 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपने जो अपना लिखने वाला काम है वो प्रैक्टिकल पेपर स्टार्ट होने से आपने तकरीबन 50 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है, 50 मिनट आपके लिखने के हैं, उसके बाद आपके 50 मिनट जो हैं वो परफॉर्मेंस के हैं और बाद में आपके जो टाइम बचता है 15 या 20 मिनट वो आपके वायदा के लिए, इसलिए लिखने वाला काम आपने सबसे पहले कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जी इस तरह तो हर पेपर में जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम आएंगे, तो हमारी तो इतनी तैयारी नहीं है, तो हम उसके बारे में कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए मैं ये गाइडलाइन आपको देना चाह रहा हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि आप अगर सी लैंग्वेज की बात करते हैं, सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम का बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, ये वो प्रोग्राम का बेसिक सा स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ।
इसमें देखें कि सबसे पहले आप एक हेड प्रोफाइल ऊपर इंक्लूड करें, हैश इंक्लूड, इंक्लूड का आई छोटा होना चाहिए। उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट होनी चाहिए, इसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं। बाद स्टूडेंट इसमें मैंने देखा वो ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ये यहाँ पे आप वो ऐसे ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो ये अगर आप बिल्कुल सही हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे इस तरह एंगल ब्रैकेट लगा के, तो आपको इसका एक नंबर मिलेगा, ये एक नंबर की ये एक लाइन बिल्कुल अगर आप सही तरह लिखे होते हैं ऐसे। इंक्लूड का आई छोटा होना चाहिए, एस टी डी आई ओ डॉट एच, बाद लोग इसको एस टी यू डी आई ओ डॉट स्टूडियो लिख देते हैं। अगर आप इस तरह की कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते, बिल्कुल सही इस तरह लिख देते हैं, तो ये आप सही। उसके बाद ये हैश इंक्लूड एस टी कौन आई ओ डॉट एच, इसको भी यूपी ऊपर जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह हैश है, इंक्लूड है, फिर कौन आई ओ सी ओ एन आई ओ, सारे जो है वो छोटे लेटर हैं, ब्रैकेट वही एंगल ब्रैकेट है। अगर आप इस तरह ये दो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपके दो नंबर हो गए। अब ये देखें, ये हर प्रोग्राम में आपने लिखी, प्रोग्राम जो भी है ये स्ट्रक्चर आपने बनाने बना। इसके बाद आपने ये इंट मेन, अब ये जो इंट है इसमें आप यहाँ पे शुरू में वर्ड भी लिख सकते हैं, इंट भी लिख सकते हैं। तो इंट का आई छोटा आना है, मेन भी छोटे हैं इसके सारे लेटर का। उसके बाद जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, इस छोटी ब्रैकेट ये दोनों यहाँ पे लेस देन वाली ब्रैकेट थी और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, ठीक है। ये आपके तीन नंबर हो गए, यहाँ तक आप लिखेंगे तो आपके तीन नंबर, 10 नंबर हैं टोटल लिखने के, तो तीन नंबर आपको ये तीन चीज़ें लिखने को मिल जाएंगी। आपने दो हेडर फाइल इंक्लूड कर ली और मेन फंक्शन लिख लिया, मेन जो है वो एंट्री पॉइंट होता है, सारे लेटर्स मार। उसके बाद आपने ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और एंगल ब्रैकेट जब आप ये दरमियानी ब्रैकेट जब आपने स्टार्ट करनी है तो नीचे आपने इसको बंद भी करना है, तो इसकी ओपनिंग के और क्लोजिंग का एक नंबर। आपने इसको ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, बाद स्टूडेंट जो है वो इसको ओपन कर देते हैं, क्लोज करना भूल जाते हैं कि जी बस आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, तो वो अपना ये नंबर मिस कर देते हैं। उसके बाद आपने दो जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करनी है। देखिए हर जो प्रोग्राम है उसमें आपने आपको वेरी कोई भी प्रोग्राम आ जाए उसमें आपको वेरिएबल तो डिक्लेयर करने पड़ते हैं, बेशक वो इंटीजर टाइप के हों या फ्लॉट टाइप के हों। तो हम जनरल एक सोल्यूशन देख रहे हैं कि अगर आप यही सोल्यूशन लिख देंगे तो आपको 10 में से तकरीबन 5 या 6 नंबर आपके इंशाल्लाह इसके मिल जाएंगे। तो उसके बाद ये देखें, आप वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका यह है कि आप इसमें डाटा टाइप लिखें, शुरू में इंट, इंट इसकी डाटा टाइप है, आगे आप इसके दो दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, एक का नाम नम रख लें, नम से मुराद है नंबर, और एक का नाम रिजल्ट रख लें। ये नाम आपकी च्वाइस के हैं, जो मर्जी आप रख। वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गया, डिक्लेरेशन का आपको एक नंबर मिल गया, तीन नंबर ये, एक ये ब्रैकेट लगाने का 4, और ये जो वेरिएबल अगर आपको 2 चाहिए 3 चाहिए अगर आप सही डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसका भी आपको एक नंबर मिल जाता है। उसके बाद एंड पे ये आपने सेमी कॉलन जरूर लगाना है, और अगर आपने जो अगर 2 या 3 वेरिएबल हैं तो उनके इनके दरमियान में कॉमा लगाना, फॉर एग्जाम्पल इंट नम कॉमा रिजल्ट, और अगर आपने एक तीसरी वेरिएबल चाहिए आपको उसका नाम आप कोई भी रख लें, एक्स के दरमियान में कॉमा लगाना, जब आपकी ये स्टेटमेंट कम्प्लीट हो गया तो एंड के स्टेटमेंट का नाम पर जरूर लगाना। उसके बाद आपने प्रिंट एफ का फंक्शन लिखना, ये इसको ज़रा समझ लें। प्रिंट एफ के फंक्शन में स्टूडेंट अक्सर करते हैं कि प्रिंट और एफ के दरमियान में गैप दे देते हैं, ये नहीं देना। प्रिंट एफ एक ही से एक साथ आना चाहिए, और प्रिंट का भी पी, सारे लेटर छोटे हैं, प्रिंट का पी बड़ा नहीं लिखना है, छोटे लेटर। तो आपने ये ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट के बाद ये डबल कॉमे ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि प्रिंट एफ के अंदर जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होनी चाहिए, और स्ट्रिंग हमेशा डबल कॉमे के अंदर बन रही है। ये आपने एक स्टेटमेंट लिख दी जो कि आउटपुट का है, प्रिंट एफ जो है ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करने के लिए यूज होता है। इस स्टेटमेंट के अंदर भी टर्मिनेटर। उसके बाद स्कैन एफ, स्कैन एफ में भी आपने सारे लेटर्स मार लिखे हैं। स्कैन एफ के अंदर आपने पहले परसेंटेज डी देना, ये इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद जो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उस वेरिएबल के शुरू में आपने एंड का सिंबल लगा देना है, एंड जो नाम यहाँ पे लिखा था MUM वही नाम यहाँ पे लिखा था। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल में लिखा था तो यहाँ पे भी कैपिटल में आएगा, अगर इसे स्मॉल में तो भी स्मॉल में। तो कोशिश करें कि आप सारे लेटर स्मॉल में लिखें, कैपिटल में तो ना लिखें ताकि मिस्टेक ना। तो ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपने ये प्रिंट एफ से आउटपुट शो करवा दी यूज़र को, ये आपने यूज़र से इनपुट ले ली।
इनपुट आउटपुट का एक नंबर। उसके बाद आपने क्या किया, अब जो रिज़ल्ट है वो आपने कैलकुलेट किया। रिज़ल्ट क्या कैलकुलेट किया, आपने नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, नाम मल्टीप्लाई बाय नाम। मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाला सिंबल होता है स्टार का, तो आपने वो क्रॉस वाला नहीं लगाना, मल्टीप्लाई किया स्टार का लगाना। तो ये नाम मल्टीप्लाई बाय नाम मल्टीप्लाई बाय नाम आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया और उसका रिजल्ट दिया गया। उसके बाद एक और प्रिंट आप स्टेटमेंट लगाएं और उसको आप प्रिंट कर दें रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू आर आगे वो ये परसेंटेज डी लगा के आगे रिजल्ट प्रिंट करते हैं, रैंक पे जैक सी एच लगा। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम यूजर से एक नंबर ले रहा है और उसका रिजल्ट यानी उसका क्यूब कैलकुलेट करता है, उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करता है। तो अगर आप बिल्कुल यही एक प्रोग्राम लिख लेते हैं तो आप इसको 2 जगह पे लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल है वो नम कैलकुलेट किया है, आप यहाँ पे चेंज करने के लिए एक्स रख लें, वाई रख लें, टी रख लें, टेम्प रख लें। आमतौर पर हम टेम्प एक वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं टेम्परेरी। रिजल्ट के लिए आर ई एस रख लें। तो आप वेरिएबल्स के नाम चेंज कर लें और बाकी हेडर फाइलें तो आपने ऐसे ही यूज कर लें। अगर आप यही एक प्रोग्राम अगर आप 2 जगह के ऊपर कॉपी कर देंगे सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपको 10 में से 5-5 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल ठीक होगा। इस तरह आप जो है वो बिल्कुल, अगर आप जो खाली शीट देने से बेहतर है कि आप उसके ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने लिखना है तो यहाँ पर आप वेरिएबल के नाम एक्स कर दें, यहाँ पे टेंप कर दें और यहाँ पे भी फिर आपने उसी हिसाब से यहाँ पे एक्स की वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू इनपुट लेनी है वो यहाँ पे चेंज कर देना, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स वो ऐड कर देंगे। तो अब देखें ये प्रोग्राम जो है वो एरिया कैलकुलेट कर रहा था, एरिया नहीं सॉरी ये क्यूब ले रहा था। इसी तरह अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखना हो, जैसे ये एक मैं आपको पेपर दिखाता हूँ कि उसमें आमतौर पर क्वेश्चन आता है कि आप क्या उसका टेम्परेचर को फारेनहाइट स्केल से इसमें फारेनहाइट से मेरा ख्याल वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करवाता है। टेम्परेचर है जिसमें फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करवाना। अब ये तो चलो क्यूब लेना तो आसान था, तो अब आपने यहाँ पे वही इनपुट यूजर से लेनी है। यहाँ पे आपने टेम्परेचर यूजर से इनपुट ले लें। ये देखें मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ वेरिएबल का TEMP टेम्परेचर, और दूसरा जो वेरिएबल है उसका नाम मैं रख देता हूँ सेल्सियस, ठीक है। तो अब प्लीज़ एंटर आ नंबर की बजाय आप यूज़र को कह दें कि प्लीज़ एंटर टेम्परेचर, और उसके बाद आपने स्कैन एफ में यहाँ पे परसेंटेज डी लिख के जो यहाँ पे वेरिएबल था टेंप, तो वही आपने यहाँ पे लिख देना है, टेंप कर दिया। अब आपने जो रिजल्ट कैलकुलेट करना है वो असल में सेल्सियस में आपने करना है। अब यहाँ पे आप SCEL यानी जो आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया वही यहाँ पे लिखें और यहाँ पे उसका फार्मूला लगा दें। अब आप कहेंगे कि हमें अगर फार्मूला नहीं आता सेल्सियस से फारेनहाइट में या फारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, तो वो आप अपने जो एग्जामिनर है उनसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ये आपका मैथ का प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, ये तो आपका कंप्यूटर साइंस का हो रहा है। तो फार्मूला आपको वैसे पेपर में दे भी दिया जाता है, और अगर फार्मूला नहीं आता तो फिर आप वो अपने एग्जामिनर से पूछ भी सकते हैं। तब वो यहाँ पे फार्मूला आपने लगाना है टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर वाला फार्मूला 5 डिवाइडेड बाई 9 और आगे आपने ये ब्रैकेट स्टार्ट करनी है कि फारेनहाइट में टेम्परेचर आया है, वो फारेनहाइट में टेम्परेचर जो है वो हम टेंथ में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल आ जाएगा टेंथ -32, ठीक है। ये 5 जो है इसको आप 5.0 कर दें चार। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई का सिंबल देना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाई 9 और ये मल्टीप्लाई। अब देखो मैंने सिर्फ फार्मूला चेंज किया और बाकी सारा प्रोग्राम मेरा वही है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप ये एक स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं और फार्मूला आप इनपुट लेके वेरिएबल को डिक्लेयर कर लें और उनकी इनपुट ले लें और उसका फार्मूला लगा के जो रिजल्ट है वो शो कर दें, तो
आप एक जनरल से क्वेश्चन से, जनरल सा क्वेश्चन है तो उससे आप अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल मुंह उठा के बैठे रहें और इधर उधर वेट करें। तो ये एक पैटर्न को आप फॉलो कर लें, इंशाल्लाह आपको, अगर तो आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपका प्रैक्टिकल इसी तरह का हुआ कि जिसमें ज़ाहिर है इनपुट भी आपने लेनी है, आउटपुट भी शो करनी है, कोई कैलकुलेशन भी करनी है, तो फार्मूले के मुताबिक ये फार्मूला जो इस लाइन पर लगा हुआ है ये आपने एग्जामिनर से पूछ के यहाँ पर लगा देना है। मैंने दो आपको दिखा दिए हैं, एक ट्यूब का और एक आपको मैंने दिखा दिया टेम्परेचर का। बाकी अगर फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो यहाँ पर आप रखें उसकी विड्थ, उसकी हाइट, और यहाँ पर फार्मूले में आप हाइट और विड्थ को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें। यानी एक प्रोग्राम अगर आप सीख लें तो आप अपने तमाम जो प्रोग्राम है वो अटेंड करें। आप इसको गौर से देखें, इसको फॉलो करें। और दूसरा ये कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसको 9th, 10th, 1st year, 2nd year के भी मेरे पास हैं वीडियोस पड़ी हुई हैं, फर्दर और भी कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड मैं इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको गाइड करूँगा। तो ये आप प्रैक्टिकल में खास तौर पर ना, ये आप एक चीज़ जो है वो एक इतना सा अगर आप जो है वो याद कर लें, देख लें, उसको मेमोराइज कर लें, तो आप जो है वो इंशाल्लाह अच्छे नाम होगा।